तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम मतलब देख सकते हो SMP में थोड़े चेंजेस हुए हैं मीत भाई के द्वारा। मीत वरियर आपको जानते होंगे, वीत वरियर को। सो उसने भाई बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पर लैंटर्न्स वगैरह लगा दिए और ये पता नहीं क्या डब्बा बना रखा है, लेकिन कह रहे हैं वो वॉर हाउस है, अगर कोई वॉर वॉर हुई तो बचने के लिए पता नहीं क्या बनाया है। और यहाँ पर पोर्टल है भाई, पोर्टल तो भाई बहुत गजब है यार, मतलब मस्त है यार, देख सकते हो पोर्टल, मतलब ऐसे ही जैसे ही हम इस पर दबाते हैं ये पोर्टल खुल जाता है। और बाहर कैसे जाऊँ भाई, बाहर कैसे जाऊँ, बाहर के लिए कुछ लगा ही नहीं रखा इन्होंने। ओके, गेट को ही तोड़ते हैं, वापस लगा देते हैं। सो भाई मतलब कि ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर ये फार्म हाउस बना रखा है, ये पता नहीं कौन सा फार्म हाउस है, देखते हैं भाई अंदर जाके कौन सा फार्म हाउस। थोड़ा सा बंद है या ऊपर भी है, ऊपर भाई यहाँ पर हमारे क्राफ्टिंग बल खाली है, थोड़ा फार्म हाउस लगता है कुछ डाले इस टाइम पर। तो फिलहाल भी हमारा जो मेन टास्क है वो है हमें एक चेस्ट रूम बनाना है, मतलब पूरा जहाँ पर हम अपना स्टोरेज वगैरह रखेंगे। आपको पता है मैंने अपना बेसमेंट जो चेस्ट रूम के लिए सोचा था, लेकिन भाई थोड़े बहुत तो बिल्ड होने चाहिए ना घर के लिए वगैरह के लिए, डेकोरेशन के लिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बनाऊँगा अपना चेस्ट रूम, वो भी मतलब कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर बनाने वाला था लेकिन कोई था महान इंसान जो कि आप जिसको आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, अभी हमारा जो टास्क है वो है पेड़, भाई चेस्ट रूम के लिए हमें पेड़ तो लगेंगे, तो मैं आपको मिलता हूँ पेड़ काट के। और भाई एक चीज़ तो मैं भूल गया कि चेस्ट के जो नीचे आउटलाइन होती है आपको पता होगा वहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन होती है मिल बीच में, सो उसके लिए तो भाई कंक्रीट तो अभी बना नहीं सकते, तो इसलिए मुझे वूल की ज़रूरत पड़ेगी। सो वूल के लिए हमें शीप चाहिए बहुत ज़्यादा, तो मैं शीप फार्म भी बना लेता हूँ, कैसे बनता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको जो मटेरियल चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ओके भाई, सो अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे शीप फार्म बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है, चार ऑब्जर्वर और ये मतलब होपर, आप पांच मतलब कि माइनकार्ट विद होपर के लिए मैंने ये पांच होपर लिए हैं। ओके, और कुछ ग्लास, और कुछ ग्लास भाई मेरे पास पड़े होंगे मेरे चेस्ट में, देख लेता हूँ। ओके है 34 है, 34 ग्लास पड़े हैं, सो इतने से तो हमारा आराम से बन जाएगा। तो आपको अभी करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो आपको सबसे पहले जहाँ पर आपको अपना फार्म बनाना है वहाँ पर आ जाना है। ओके, जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पर। ओके, ओह सॉरी गलती आते ही गलती हो गई। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रखना है डिस्पेंसर। ओके, ये डिस्पेंसर हम ऐसे रख देते हैं, डिस्पेंसर ऐसे रखना है। फिर आपको नीचे माइन करना है, आपको रखना है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भाई वो पता है आपको कैसे बनता है, नेदर बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मतलब पॉइंट है ना वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट इस तरफ हो। और अभी आप इसे ब्लॉक से कवर कर दो। ओके, मैं ब्लॉक से कवर कर देता हूँ। और इसके पीछे जस्ट आप लगा दो एक रेड स्टोन लगाओगे। ओके, अभी आपको ग्लास से कवर करना है उस पूरे एरिया को, तो 1 2 1 2 4 1 2। सो ये पूरा हो गया कवर, और इसको भी कर ही देते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है नीचे माइन, ठीक है, मतलब कि यहाँ लगाएंगे चेस्ट। और भाई मैं तो एक चीज़ भूल गया, इसको मतलब इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है ना, इस ब्लॉक को नहीं तोड़ना, जाकर ग्लास है भाई। एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे जो है मुझे चाहिए था वो क्या कहते हैं उसको, माइन कार्ट विथ होपर। ओके, सो माइन कार्ट भी बनानी पड़ेगी हमें, आयरन तो हमारे पास पड़े होंगे शायद से, आयरन तो बहुत पड़े हैं मेरे पास, मुझे पता है 64 तो होंगे भाई इन 64। ओके हाँ, 64 है भाई। सो भाई अभी थोड़ा स्पेस भी खाली कर देता हूँ मैं, ये क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर लगा देता हूँ ना एक बार ले। ओके, माइन कार्ट बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह करना होगा, और हमारा बन चुका है माइन कार्ट विथ होपर। ओके, और भी होपर बना ही लेते हैं भाई चलते चलते। ओके, अभी हमें अपना काम शुरू करना है, सो चलते हैं भाई काम करते हैं।
ओके सो इतना सब हो जाने के बाद आपको वो दिखे ना, मतलब जहाँ पर ये ये नहीं, जहाँ पर ये हमारा ऑब्जर्वर है वहाँ पर आपको एक ब्लॉक लगाना है। ओके और भाई रेल तो मैं बनाने भाई जितनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा ही बना दिया है, वो तो बनेगी ही भाई, वो तो ऑब्वियस है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी इससे गलती हुई। ओके आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना है। ओके सो यहाँ पर करते हैं अपना चेस्ट, चेस्ट कहाँ पर है हमारा, ओके चेस्ट रखते हैं। सॉरी सो ओके होपर चेस्ट रखते हैं हमारे यहाँ पर, इससे कनेक्ट करते हैं होपर क्राउच होकर और यहाँ पर लगाते हैं ये क्राउच होकर लगाना भाई। ओके और यहाँ पर लगाते हैं हमारी माइन क्राफ्ट होपर। अभी हमारे अभी बहुत समय शीप को लाना है। ओके सो भाई इस तरह का मैकेनिज्म है और शीप मुझे सामने ही दिख रही है। सो भाई इसको लीड करके ले आता है, मैं लीड मेरे पास पड़ी होगी तो भाई देखते हैं हमारे इसमें होगी भाई, रखी थी वॉन्डरिंग ट्रेडर को मार कर मुझे पता है। सो यहाँ पर हमें दो लीड मिल चुकी है। सो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो शीप लेके आते हैं, ये हमारे शीप, इसको फटाफट से हमें यहाँ पर बांधना है। ओके आ जा भाई, आ जा तेरा वक्त आ गया है। ओके सो आपको हाथ में ग्लास ले लेना है क्योंकि आपको वापस से लगाना ही तो है ग्लास तो। ओके ग्लास ले लेते हैं और अपने शीप को इसके अंदर डाल देते हैं। ओ भाई कूद क्यों रही है तुम, थोड़ा सा मुश्किल होगा काम। आपको क्या करना है, शीप को ऐसा करना है, आ जा भाई आ जा, मेरा शीप फार्म बनाएगी ये तो। ओके डल जा डल जा डल जा, अंदर जाना। हाँ चल ओ ओके भाई फाइनली मैंने शीप को इसके अंदर कैद कर लिया है। ओके अभी आपको क्या करना है, ये ग्रास खाती रहेगी आपको मिलती रहेगी। सो आपको अभी लास्ट काम जो करना है वो मैं बता देता हूँ, आपको क्राफ्टिंग टेबल में बनानी है शीयर। ओके शीयर बना लेते हैं फटाफट से और यहाँ पर हमारी शीयर बन चुकी है। अभी आपको क्या करना है, शीयर को सीधा डाल देना है इसके, मतलब ये जो है इसके यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही मतलब जैसे ही हमारी शीप घास खाएगी वैसे ही उसके बाद मतलब वूल कट कर यहाँ पर सीधी चेस्ट में चली जाएगी। ओके ठीक है सो यही है मैकेनिज्म सिंपल सा, और आप चाहो तो बहुत ज़्यादा शीप बना सकते हो। अपना शीप फार्म जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर वूल्स वगैरह भी आ रही है। सो चलो देखते हैं। ओके भाई कुछ देर तक केव के रहने के बाद देखते हैं भाई कितनी आई है हमारे पास। ओ चेस्ट भर मतलब इन्वेंट्री भर गई। ओके भाई इनको ले लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हमारे पास आ चुकी है। सो अभी हमारा एक सेकंड टास्क तो हो चुका है, हमारा थर्ड टास्क जो है वो है चेस्ट रूम के लिए एरिया। और एरिया भाई थोड़ा हमारे घर के पास होना चाहिए एकदम थोड़ा। ओके ज़्यादा दूर हुआ तो भाई दिक्कत होने वाली है आपको पता ही है, और मैं एकदम चेस्ट के शेप का बनाने वाला हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना चेस्ट रूम बनाऊँ यहाँ पे, आप देख रहे हो ये जगह, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपना चेस्ट एरिया। सो भाई पहले चेस्ट को देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। ओके नीचे ब्लैक आउटलाइन है। सो अभी मैं इसको कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो भाई अभी आप देख सकते हो हमारा जो है चेस्ट रूम तैयार हो गया, अभी बस हमें फर्श लगाना है। और फाइनली हमारा चेस्ट रूम कंप्लीट हो गया।